हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महापौर दयाशंकर तिवारी की अवधारणा पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा बनाई गई भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ई लाइब्रेरी डिजिटल शैक्षिक क्रांति की शुरुआत है। यह विचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को गीतांजलि चौक पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ई लाइब्रेरी के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक प्रवीण दटके, उप महापौर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भुयर, शिक्षा समिति के अध्यक्ष दिलीप दिवे, बसपा गटनेता जितेंद्र घोड़ेस्वार, गांधीबाग जोन अध्यक्ष श्रद्धा पाठक, नागपुर सुधार प्रन्यास के ट्रस्टी संजय बंगाले, स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष विजय पिंटू झलके, पार्षद संजय बालपांडे, पार्षद विद्या कनेरे, पार्षद सरला नायक, धर्मपेट अंचल के अध्यक्ष सुनील हिरनवार, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष महेश संजय महाजन, वरिष्ठ पार्षद सुनील अग्रवाल आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महापौर दयाशंकर तिवारी के कार्यकाल में किए गए कार्यों की तारीफ की। दयाशंकर तिवारी ने शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल शुरू करने की पहल की। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने वाले महापौर द्वारा अत्याधुनिक विश्व स्तरीय पुस्तकालय का निर्माण नागपुर महानगर पालिका की तमाम उपलब्धियों में सर्वश्रेष्ठ है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में नगर सेवकों ने अपने अपने वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दिया है। लोगों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में उन पर जो भरोसा रखा गया, उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश नगर सेवकों ने की। जनता द्वारा नेतृत्व का मौका दिया जाना ही जनप्रतिनिधियों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। यह बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर नागपुर मनपा की ओर से आयोजित कर्तृत्ववान व्यक्तियों के सम्मान समारोह में कही। नागपुर महानगर पालिका में जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल का आज अंतिम दिन था। इस मौके पर पार्टी के सभी पार्षदों को भी सम्मानित किया गया। निगम मुख्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता महापौर दयाशंकर तिवारी ने की। कार्यक्रम में उप महापौर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भुयर, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, विपक्ष के नेता तानाजी वनवे, बसपा गट नेता जितेंद्र घोड़ेस्वार, पूर्व महापौर नंदा जिचकार, माया युनाते, नागपुर सुधार प्रन्यास के ट्रस्टी संजय बंगाले, खेल समिति के अध्यक्ष प्रमोद तबाने, धर्मपेट जोन के अध्यक्ष सुनील हिरनवार, प्रगति पाटिल, अपर आयुक्त दीपक कुमार मीना, उपायुक्त निर्भय जैन आदि उपस्थित थे। देश का व्यापारी सरकारी नीतियों और शासन की कार्यप्रणाली से बुरी तरह से प्रभावित है। इस आशय के विचार कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने व्यक्त किए। वे टीम कैट नागपुर द्वारा आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून, बैंकिंग प्रणाली आदि में व्यापारियों को तकलीफ आ रही है। यह व्यापार संवाद विदर्भ की शीर्ष व्यापारी संगठन नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ लिया गया। प्रस्तावना में व्यापारियों के समस्याओं का उल्लेख करते हुए सचिव विनोद गुप्ता ने व्यापारियों के समस्याओं की जानकारी उपस्थित मान्यवरों को दी। जीएसटी कर कानून की जटिलताओं को दूर कर एक सरल कर प्रणाली बनाई जाए और जीएसटी कानून एवं नियमों की नए सिरे से समीक्षा कर कानून में आवश्यक बदलाव किए जाए। इसी प्रकार वैट कानून में लंबित मामलों का निराकरण करने जल्द एक योजना घोषित की जाए। ई कॉमर्स में विदेशी कंपनियों की कानून एवं नियमों का उल्लंघन करने की नीति पर रोक लगे तथा ई कॉमर्स पॉलिसी तुरंत घोषित हो और ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाए। सील बंद खाद्य प्रीमिक्स पर, कपड़े एवं फुटवियर पर 5% जीएसटी कर ही लगे। सीए जितेंद्र सगलानी को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वसम्मति से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान WIRC नागपुर शाखा का अध्यक्ष चुना गया है। सीए संजय एम अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। सचिव के रूप में सीए अक्षय वी गुल्ला ने कोषाध्यक्ष दिनेश राठी और सीए दीपक जेठवानी को विकास के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रबंध समिति के सदस्यों में सीए संजय सी अग्रवाल, सीए तृप्ति भट्टड़, सीए अजय वासवानी और कार्यकारी समिति के सदस्य सीए स्वरूपा वज्जलवार, आरसीएम अभिजीत केलकर का समावेश है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीए जितेन सगलानी ने बताया कि शाखा साल भर राष्ट्र निर्माण, सदस्यों और छात्रों के मूल्यवर्धन जैसे कार्यक्रमों के आयोजन पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि शाखा अनुकूल और मैत्रीपूर्ण माहौल में वरिष्ठ और युवा सदस्यों के बीच ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीए सगलानी ने काम के दौरान पेशेवरों के सामने आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी, साथ ही सदस्यों से अखंडता और प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए पेशेवर उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
मध्य रेल ने अपने यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत एक व्यापक धूम्रपान विरोधी अभियान शुरू किया है। यह अभियान मध्य रेलवे के मुंबई, पुणे, सोलापुर, भुसावल और नागपुर मंडलों में शुरू किया गया है। इस अभियान में 24 फरवरी से 3 मार्च की अवधि के दौरान कुल 751 लोगों को RPF और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा पकड़ा गया है और उनसे 1,41,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है, जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत 655 मामलों में से 1,30,000 रुपए की जुर्माना राशि और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत 96 मामलों में से 10,500 की जुर्माना राशि शामिल है। मुंबई मंडल ने 313 मामलों से 61,500 रुपए का जुर्माना, इसके बाद भुसावल मंडल ने 194 मामलों से 35,000 रुपए, नागपुर मंडल ने 104 मामलों से 20,000 रुपए, पुणे मंडल ने 74 मामलों से 14,000 रुपए और सोलापुर मंडल में 66 मामलों से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। धूम्रपान विरोधी सेफ्टी अभियान के अंतर्गत मध्य रेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी यह व्यापक अभियान शुरू किया है। किसान समृद्धि महोत्सव का आयोजन 7 मार्च को बेंगलोर आश्रम में किया गया है। नागपुर की मौदा तहसील हिंगना तहसील से 335 किसान इस महोत्सव में शामिल होने हेतु विमान द्वारा बेंगलोर प्रस्थान कर रहे हैं। 2 मार्च को 110 एवं 4 मार्च को 115 किसान नागपुर से बेंगलोर जा चुके हैं। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा पानी संयोजन का जो काम पिछले वर्षों से मौदा तहसील में किया गया, उस कार्य से किसानों को जो लाभ हुआ है एवं उनकी आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन आया है वह उल्लेखनीय है। यह सभी किसान भाई स्वयं अपने खर्चे से विमान द्वारा नागपुर से बेंगलोर जा रहे हैं। 3 दिवसीय इस शिविर में पूज्य श्री रविशंकर के सानिध्य में देश के विभिन्न शहरों से आए कृषि विशेषज्ञ किसान भाइयों का मार्गदर्शन कर खेती के नवीनतम तरीके के बारे में जानकारी देंगे। उल्लेखनीय है कि मौदा तहसील में पानी संयोजन के इस काम में मौदा स्थित NTPC का भरपूर योगदान रहा है। विशेष रूप से तत्कालीन पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का विशेष योगदान रहा है। कोरोना के चलते गत 2 वर्ष से होली उत्सव नहीं मनाया गया, परंतु इस वर्ष इसे नियम के तहत उत्सव से मनाने का निश्चय उत्तर भारतीय सभा ने किया है। इसी विषय को लेकर बुधवार को उत्तर भारतीय सभा की तरफ से वाड़ी में होली मिलन समारोह नियोजन हेतु एक सभा का आयोजन किया था। इसमें निश्चय किया गया कि उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री, विदर्भ अध्यक्ष DB सिंह एवं शहर अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला की उपस्थिति में होली मिलन का समारोह आयोजन किया जाएगा। पानी न बर्बाद करते हुए फूलों की होली खेली जाएगी। राधा रानी कृष्ण भगवान के भजनों के साथ यह समारोह किया जाएगा। इस बैठक में उत्तर भारतीय सभा के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, उपाध्यक्ष सुष्मित सिंह, राजपूत दयाशंकर मौर्य, जितेंद्र मौर्य, संतोष सोनी, पवन सोनी, अमित राउत, कैलाश शर्मा, मान सिंह, PS तिवारी, बीना केसरवानी, अंजनी मिश्रा, तारा मिश्रा, लाली चौबे, राकेश त्रिपाठी, शिवम शुक्ला आदि उपस्थित थे। हमारी शाला BGS गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रांगण में सोशल वर्कर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, समाजसेवी एवं पूर्व महापौर परम श्रद्धेय स्वर्गीय ऋखभचंद शर्मा की 103वीं जयंती मनाई गई। इस पावन अवसर पर शर्मा परिवार विशेष रूप से उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अध्यक्ष पद को संस्था के आधार स्तंभ परम श्रद्धेय डॉक्टर DP लालवानी ने सुशोभित किया। सरस्वती वंदना के साथ परम श्रद्धेय स्वर्गीय ऋखभचंद शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आगत जनों का सत्कार कर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। शाला की स्नेहमयी प्राचार्य चित्रा दौलतानी द्वारा अतिथियों का परिचय दिया गया एवं परम श्रद्धेय ऋखभचंद शर्मा के सत्कार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया गया। इतना ही नहीं, इनके सत्कार्यों एवं इनके द्वारा की गई अनेक समाज सेवाओं पर आधारित पावर पॉइंट प्रदर्शन प्रस्तुत कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। शाला का संक्षिप्त परिचय एवं शाला में की जाने वाली गतिविधियों का भी पावर पॉइंट प्रदर्शन किया गया। किशोर शर्मा ने शाला के कार्यों और पहलों की काफी प्रशंसा की। शाला में आयोजित जयंती कार्यक्रम के अवसर पर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। आदित्य शर्मा एवं अनिरुद्ध शर्मा ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। महापौर दयाशंकर तिवारी का कार्यकाल पूरा होने पर उनके मनपा स्थित कार्यालय में जाकर नंदनवन प्रभाग 30 व 31 की महिलाओं ने उनका पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। सभी महिलाओं ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। महापौर तिवारी ने विश्वास दिलाया कि वे आगे भी इसी तरह जनता की सेवा करते रहेंगे। सत्कार करने वालों में क्षेत्र की समाज सेविका राजश्री मांडलकर सहित शरयू लिम्बे व अंघा आमले उपस्थित थी।
राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिति पूर्व नागपुर विधानसभा समिति सदस्य व अधिकारियों के साथ आढ़ावा बैठक ली, जिसमें संपूर्ण विभाग की जानकारी ली गई। लाभार्थी के अनुदान बैंक में भेजने, विभाग में जमा, अर्जी, मामले, कुटुंब अर्थ सहाय योजना, अपंग, विधवा, परित्यक्ता जैसे विषय को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया तथा अर्जदार से मोटी रकम लेने वालों पर कार्रवाई को तेज करने की चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता शेख अयाज अध्यक्ष संजय गांधी निराधार योजना समिति पूर्व विधानसभा ने की। इसमें अलका दलाल, विनोद मंडपे, माया गजबिये, अंगद हिरोंदे, अंकुश भोवते, रविन्द्र इटकेलवार, लक्ष्मण राव बाड़बोदे गुरुजी, तहसीलदार सावंत, नायब तहसीलदार निनावे बड़वार आदि उपस्थित थे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नागपुर मनपा बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बड़े हर्ष की बात है कि शहर के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर पैदा करने के लिए मनपा द्वारा किए गए प्रयास भी सफल हो रहे हैं। ये कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि पिछड़े क्षेत्र में जीएम बनातवाला इंग्लिश मीडियम के स्कूल के माध्यम से छात्रों की शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों नागपुर मनपा द्वारा स्थापित मनपा इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन किया गया। नागपुर की अध्यक्षता महापौर दयाशंकर तिवारी ने की। मंच पर बसपा गट नेता जितेंद्र घोड़ेस्वार, स्थायी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे, शिक्षा समिति के अध्यक्ष दिलीप दिवे, खेल समिति के अध्यक्ष प्रमोद तभाने, वरिष्ठ पार्षद मनोज सांगोले, पार्षद भावना लोनारे, पार्षद नेहा निकोसे, पार्षद दिनेश यादव, शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे बोलते हुए स्कूल के निर्माण कार्य के लिए नागपुर महानगर पालिका की सराहना की और महापौर दयाशंकर तिवारी, शिक्षा समिति के अध्यक्ष दिलीप दिवे और शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर को बधाई दी। प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में होटल सनराइज एंड रिजॉर्ट कुराडी रोड नागपुर स्थित में स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने और वीडियो बनाकर पत्र देकर शुभकामनाएं व्यक्त की तथा कार्यक्रम में सभी राज्यों के प्रांत अध्यक्ष आए और शुभकामनाएं दी। विशेष मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, राष्ट्रीय संयोजक अजित सिंह मामडोली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज सिंह शेखावत, राष्ट्रीय महासचिव आनंद सिंह ठोके, राष्ट्रीय प्रवक्ता व कार्यालयीन सचिव सूरज सिंह ठाकुर का रहा। कार्यक्रम में आयुष्मान हॉस्पिटल की ओर से मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था और रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी व प्रांत अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष व विशेष अतिथि आमंत्रित थे। विशेष रूप से हिंदू हृदय सम्राट वीर महाराणा प्रताप सिंह के विचारक राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी, राष्ट्रीय संयोजक अजित सिंह मामडोली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, राज सिंह शेखावत, गुजरात इकाई के प्रदेशाध्यक्ष व महासचिव आनंद सिंह ठोके, भगत सिंह राजपूत, राष्ट्रीय महामंत्री केतन सिंह ठाकुर, महिला प्रदेश अध्यक्ष सोनाली ठाकुर, मनोज सिंह सिसोदिया, मंजित सिंह मिटावल आमंत्रित थे। आम जनता को केंद्र बिंदु में रखकर विकासोन्मुख बजट पेश करने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने झारखंड प्रदेश के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल से उभरने के बाद अनेकों परेशानियां झेलने के बावजूद जनता से किए गए वादों को निभाने में दिशा में ये बजट एक मिसाल साबित हुआ है। महामारी के मद्देनजर निसंदेह झारखंड राज्य के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी और केंद्र का उपेक्षापूर्ण रवैया राज्य के सामाजिक,
आर्थिक विकास में व्यवधान के रूप में सामने आया था। पांडे ने कहा कि निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प के साथ ये बजट वैकल्पिक मार्गों को प्रदर्शित करते हुए दिखता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने सदैव प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहने का काम किया है। राज्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे को पुनः प्रगति की पटरी पर लाने के लिए ये बजट अत्यंत मददगार साबित होगा। कांग्रेस पार्टी एवं महागठबंधन के साथी दलों के द्वारा जनता से किया गया वादा रूपी संकल्प पत्र को जमीन पर उतारने के लिए जो प्रावधान लाए गए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। हाल ही में खामला मुख्य बाजार क्षेत्र में मनोज उर्फ बब्बू परसवानी की स्मृति में महाप्रसाद वितरित किया गया। महाप्रसाद का सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लाभ लिया। सर्वप्रथम परसवानी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। खामला मित्र परिवार के संयोजन में हुए इस आयोजन में खामला के संगठनों, पंचायत के पदाधिकारियों, सदस्यों की मौजूदगी रही। सुबह सिंधी हिंदी स्कूल में सिंधी समाज व मित्र परिवार द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अपने मनोगत व्यक्त करते अपनी संवेदना भावनाओं के माध्यम से व्यक्त किए। राजस्थानी महिला मंडल एवं माहेश्वरी महिला संगठन संयुक्त तत्वावधान में महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष ललिता मंत्री निशि सांवल ने बताया कि महिलाओं के लिए आओ चले बचपन की ओर की थीम पर 10 मार्च को सुबह बॉक्स क्रिकेट तथा दोपहर में इंडोर गेम्स नींबू चम्मच, नदी का पहाड़, सांप सीढ़ी, चिरमी, तीन पैर की दौड़, रिले रेस जैसे विविध खेल लिए जाएंगे। महिलाओं को भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल अपने लिए बचपन की यादें ताजा करने का प्रयास रहेगा। विख्यात डॉक्टर योगेश साबू एवं कला साबू कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटक रहेंगे। सभी कार्यक्रम माहेश्वरी भवन सीताबर्डी तथा राजस्थानी महिला मंडल में लिए जाएंगे। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करने की अपील की गई है। विकास कार्यों से नागपुर शहर बहुत तेजी से बदल रहा है। एम्स, सिम्बोसिस जैसी कई बड़ी परियोजनाओं को नागपुर लाया गया है और लगभग सभी रेलवे क्रॉसिंग पर पुलों पर काम चल रहा है, जिससे यातायात की समस्या को स्थायी रूप से हल करने में मदद मिलेगी। 24/7 जलापूर्ति का सपना जल्द साकार होने वाला है। जल्द ही पारडी से मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। पारडी ब्रिज अत्याधुनिक है और विदर्भ में 5 तरफ से उतरने वाला एकमात्र पुल होगा। नाग नदी फ्रंट परियोजना से किसी को नुकसान नहीं होगा। उक्त विचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व नागपुर के बाबुलवन में एक पानी की टंकी के लोकार्पण अवसर पर व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने बाबुलवन पानी की टंकी और 2 सीमेंट सड़कों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने बाबुलवन मैदान का सौंदर्यीकरण और कलमना फायर ब्रिगेड के भीतर स्विमिंग पूल का भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर बोलते हुए विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि 13 साल पहले 2009 में जब मैं विधायक बना तो पूर्वी नागपुर में काफी दिक्कतें थी। जब बारिश होने लगती थी तो मेरे दफ्तर में नागरिक रोज मोर्चे लेकर आते थे, लेकिन अब स्थिति काफी बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कई संस्थानों के मार्गदर्शक दादा घनश्याम दास कुकरेजा का अमृत महोत्सव वर्ष कल 6 मार्च को सोत्साह मनाया जाएगा। वे जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। जरीपटका स्थित दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में शाम 6 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों द्वारा उनका सत्कार किया जाएगा। दादा घनश्याम दास कुकरेजा राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष, भारतीय सिंधु सभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा आर्य विद्या सभा के उपाध्यक्ष, सहकार भारती के अध्यक्ष, साधना सहकारी बैंक के चेयरमैन, झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक, उदय अकादमी के अध्यक्ष, संत बाबा हरदास राम सेवा मंडल के अध्यक्ष एवं कई अन्य संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा जगत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की प्रगति व सिंधी भाषा के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। दादा का परिवार प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और सिद्धांतों का अनुपालन करता आया है। वे आरएसएस के सक्रिय स्वयंसेवक हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2403 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 3,51,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4,70,000 रुपए का सामान भी जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 23,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। क्रिकेट की दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक और विश्व प्रसिद्ध लेग स्पिनर और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शेन वॉर्न के निधन से क्रिकेट की दुनिया पर विपरीत असर पड़ा है। शेन वॉर्न का निधन क्रिकेट की दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है। अपनी स्टाइलिश लेग स्पिन गेंदबाजी से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी चकमा देने वाले महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि। इस आशय के विचार व्यक्त करते हुए राज्य खेल मंत्री सुनील केदार ने वॉर्न के निधन पर शोक जताया।
तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।